जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती, और ये बात से सभी एग्री करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, भगवान की भी दृष्टि तभी काम करेगी आपके ऊपर, तभी उनका नजर आपके ऊपर रहेगा, जब आपका मन, आपका सब कुछ सच्चा रहेगा और आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी का गलती कर कर पाप कर कर बोल रहे भगवान मैं बहुत अच्छा हूं मुझे माफ कर दीजिए मेरे साथ, तब तो नहीं। आप जो कर्म किए हैं उसके तो फल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कभी भी ना कुछ भी करने से पहले ना भगवान के सामने सर झुकाकर कुछ भी मांगने से पहले एक बार उनसे नजर मिलाकर बात कर लीजिएगा कि उनके सामने जो सर झुका रहा है वो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करता है और उनका और वो उनका सच्चा भक्त है और पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे आप सभी को पता है शाम को 6 बजे जो आपका क्लास कल होने वाला था अचानक वीडियो रुक गया, लेकिन आज शाम को 6 बजे जो चक्रवर्ती ब्याज का वीडियो दूंगा ना, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात मैं बोल दूं, एग्जाम के टाइम पर प्रश्न को जल्दी करते कैसे हैं भैया, उसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लग जाता है, पूरा एक एक चीज एग्जाम से खेलते कैसे, वैसे प्रश्न से चक्रवर्ती ब्याज वाले प्रश्न से बहुत जन को ये चैप्टर हार्ड लगता है, करना कैसे है, शाम को 6 बजे वाले वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। और आज सुबह में एक वीडियो आप सभी को मिला होगा चैनल पर नसीब को लेकर, देख लीजिएगा वो वीडियो भी आप सभी। और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन सेट जो है आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो आपको गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर सक्सेस की 98 के नाम से मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं एग्जाम से पहले एग्जाम वाले पेपर में आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। ठीक है, और आपको टेस्ट दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एक बात, 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ 1 साल तक जितना भी एग्जाम होगा हर एग्जाम का आपको 20-20 सेट दिया जाएगा। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वह यह है, रंगमंच में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किसे थिएटर व्यक्तित्व को फ्रांसीसी सम्मान, फ्रांस का सम्मान कौन सा है तो उस सम्मान का नाम याद रखिएगा, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है। तो मैं बता दूं, अगर आप थोड़ा भी बॉलीवुड फिल्म के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो शशि कपूर की जो बेटी है ना संजना कपूर, उन्हीं को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है, फ्रांस के जो वहां का सम्मान है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, यह सम्मान संजना कपूर को दिया गया है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कैपिटल क्या है तो वो है आपका पेरिस, मुद्रा यूरो CFP फ्रैंक, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े आर्म्स, यहां पर बात कर रहा है सबसे बड़े यहां पर निर्माता के रूप में अपना जगह बनाया, यानी अमेरिका के बाद दूसरा स्थान किसने बरकरार रखा है जितने भी आर्म्स है बंदूक वगैरह बोल सकते हो उसको बनाने में, निर्माता करने में, प्रोड्यूसर के मामले में। तो 2 नंबर पर कौन है, नो डाउट अमेरिका के बाद चीन का ही नाम होगा भैया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने बजटीय प्रथाओं में टॉप किया है उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, लेकिन टॉप पर कौन सा राज्य है बजट प्रथा में यह आपको बताना है, और वो राज्य है आपका आसाम, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आसाम के सीएम कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, और कैपिटल क्या है तो सभी को पता है दिसपुर वहां का कैपिटल है, राजधानी है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है जो आपका आईपीएल होने वाला है क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 में
उसका फाइनल जो मैच है ना वो अहमदाबाद में होगा। आपको बताना है अहमदाबाद में वो कौन सा स्टेडियम है जो आईपीएल 2020 का फाइनल आयोजित करेगा। और आपको कल ही मैंने पढ़ाया था कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है आपका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में है, जो ऑस्ट्रेलिया का अभी वर्तमान की बात करें सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया का एमसीजी। लेकिन उसको भी पीछे छोड़कर, उसको भी पीछे छोड़कर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अभी एक नंबर पर हो जाएगा। और यही क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आईपीएल 2020 का फाइनल जो है वो होस्ट करने जा रहा है। और ये कहां पर है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहां पर है? तो वो गुजरात में। गुजरात के सीएम विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और कैपिटल तो वो वहां का है गांधीनगर। क्लास अच्छा लगता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आप लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं, एक लाइक कर दीजिएगा, कुछ पैसा नहीं जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अब्दुल गफूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है वह किस पॉलिटिक्स पार्टी के हिस्सा थे। आपको यह बताना है वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे जिनका नाम था आपका अब्दुल गफूर। और ये मैं आपको बता दूं, ये बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी मंत्री भी रह चुके हैं, यानी राजद के, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी निर्देशों का पालन ना करने के कारण किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब यहां पर बहुत जन के माइंड में आएगा, भैया ये केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। आप चाहते हैं अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो है वो वहां पर अपडेट करवाते हैं ना, बहुत जगह आपसे केवाईसी मांगा गया होगा, नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। और इसका पालन, रूल्स का पालन जो है वो HDFC बैंक ने जो है वो नहीं किया है, जिसके वजह से क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ का फाइन इसके ऊपर लगाया है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम बताना है। क्या बताना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का HQ यानी हेडक्वार्टर कहां पर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का HDFC बैंक का सीईओ, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर और HDFC बैंक का ही टैगलाइन, ये तीन चीज आप सभी को कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नासा और किस एजेंसी ने दोनों मिलकर सूर्य के ध्रुवों पर पहली बार नजर रखने के लिए क्या किया है, एक नया मिशन शुरू करने का के लिए जो है वो सहयोग करेगी नासा और वो दोनों एजेंसी मिलकर। तो नासा के साथ कौन सी एजेंसी मिलकर जो है वो सूर्य के ध्रुवों पर पहली बार नजर रखने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी, और वो एजेंसी है आपका ESA, ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और संग संग आप ये भी याद रखना, नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका जिम ब्रेंडस्टाइन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निरंतर पेंशन के लिए बैंकों द्वारा अपने पेंशन भोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को उनके दरवाजे से लेने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं कि अगर बैंक क्या है ना, जो भी बैंक में जो भी पेंशन उठाते हैं, अब उनको हर साल क्या है अपना प्रमाण पत्र जो है वो जमा करना होता है हर साल। अब बैंक क्या बोल रहा है, अब आपको बैंक में आकर ये सब जमा करने का झमेला नहीं रखना है, अगर आप बैंक को 60 रुपए देते हैं तो बैंक जो है वो अपने आपके घर से वो प्रमाण पत्र जो है वो लेकर चला जाएगा, तो आपको हर साल आकर जमा करने का जरूरत तो है लेकिन बैंक तक आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निरंतर पेंशन के लिए बैंक द्वारा अपने पेंशन भोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को उनके दरवाजे से लेने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा, तो 60 रुपए, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दक्षिण सेना कमान का प्रभार किसने लिया है, साउथ आर्मी कमांड का प्रभार किसे दिया गया है, तो उनका नाम है CP मोहंती, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पानी की तरह कट टू कट क्लियर होना चाहिए आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
सरकार का लक्ष्य कितने तक का है, किस चीज के लिए, पहले आप ये जान लो PMAYG का फुल फॉर्म क्या है। अब एग्जाम में बहुत बार पूछ देगा PMAYG में A का फुल फॉर्म क्या है, अब आप फंस जाओगे। तो याद रखना प्रधानमंत्री आवास योजना, जी का मतलब ग्रामीण। मैंने क्या बोला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस वर्ष तक सभी के लिए आवास का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो सेंटर सरकार का कहना है, केंद्र का कहना है 2022 तक जितने भी ग्रामीण में लोग हैं जिनके पास गांव वगैरह नहीं है उनको घर जो है वो दे दिया जाएगा। और अभी तक सरकार का यह कहना है कि पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ घर जो है वो आवास जो है वो बना दिए गए हैं। अब बना है कि नहीं बना है ये नहीं पता, लेकिन सरकार ऐसा डाटा दे रही है कि पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ घर जो है वो बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 357 शहीदों के लिए नागालैंड में युद्ध स्मारक किसने बनाया है, आपको यह बताना है। और इसका आंसर क्या है, असम राइफल ने बनाया है, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये नागालैंड में बनाया गया है शहीदों के लिए स्मारक, और किसने बनाया, असम राइफल ने। तो नागालैंड का सीएम कौन है, तो सभी को पता है नेफ्यू, वहां का राजधानी कोहिमा, और राज्यपाल कौन है वहां के, आरएन रवि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने बढ़े हुए मासिक वीजे और वार्षिक कार्य दिवस के साथ बेरोजगारों को 5,000 रुपए वीजे के रूप में दिए जाएंगे, और यह घोषणा किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, कमलनाथ है, राज्यपाल लालजी टंडन है, कैपिटल भोपाल। एक बात मैं आपको और बता दूं, पहले 4,000 रुपए दिए जाते थे, 1,000 रुपए बढ़ाकर 5,000 रुपए जो है वो कर दिए गए, और पहले 100 दिन काम करना होता था, अब 365 दिन काम की गारंटी दे रही है कौन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। भैया कैसा काम, भैया अगर मान लो बहुत सारा ऐसा काम है प्राइवेट काम जो करना होता है, जो बेरोजगार लोग हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको 5,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार को अपना पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र मिल गया है, पहला उस राज्य का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है कौन से राज्य में, तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजधानी देहरादून, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड, और उनका नाम है गीता सबरवाल, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यहां से निकल कर आ रहा है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम, वहां का कैपिटल का नाम, और वहां का कैपिटल मतलब राजधानी, और वहां के करेंसी का नाम, ये तीन चीज आपको थाईलैंड के बारे में कमेंट कर बताना है। बाकी अपने क्लास का टाइमिंग देख लो, जो आपका क्लास का टाइमिंग है वो सेम चलेगा, शाम को 6 बजे वाला क्लास, जान है भाई, मिस मत करना आप सभी। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों व्यक्ति का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए